हेलो एवरीवन यार, क्वेश्चन आने में थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन आज मैं सस्पेंशन ब्रिज का क्वेश्चन लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को इजली वे में समझा पाऊँ। जैसे कि एक सस्पेंशन ब्रिज है, ये सस्पेंडर्स लगे हुए हैं इनके, ये सस्पेंशन केबल से टाइड है। उसके बाद में यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन वी और वी एफ लग रहा है, और 35 मीटर की दूरी पर एक 15 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। ये लाइव लोड है तीनों, और एक 80 मीटर की दूरी पर लग रहा है, और एक 150 मीटर की दूरी पर लग रहा है। सॉरी, ये यहाँ पर नहीं लग रहा है, ये यहाँ पर लग रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और उसके बाद यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना है, मैं आपको बताता हूँ। निकालना क्या क्या है, शियर फोर्स निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है 35 मीटर और 80 मीटर और 150 मीटर पर। शियर फोर्स निकालने हैं अपने को 35 मीटर, 80 मीटर और 150 मीटर पर, मतलब जहाँ जहाँ ये लोड लोड लग रहे हैं, और बेंडिंग मोमेंट भी यहीं पर निकालने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्टिकल रिएक्शंस फाइंड आउट करनी होगी। वर्टिकल रिएक्शंस जैसे वी ई या फिर वी एफ, इन दोनों को में से पहले किसी एक को फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए सबसे पहले समीशन ऑफ एम इक्वल जीरो, इस बेस पर जैसे वी ई फाइंड आउट करते हैं, तो वी ई इंटू जीरो माइनस 15 इंटू उसकी डिस्टेंस, माइनस 25 इंटू उसकी डिस्टेंस, माइनस 20 इंटू उसकी डिस्टेंस, उसके बाद प्लस वी एफ इंटू टोटल डिस्टेंस 200 इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 80 प्लस 20 इंटू 150 डिवाइड बाय 200, ये आ गया 27.625। वी एफ की वैल्यू आ गई 27.625 किलो न्यूटन। अब टोटल लोड्स निकाल लेते हैं, तो वी ई प्लस वी एफ, टोटल लोड अपने पास कितना होगा, 15 प्लस 25 प्लस 20, तो 15 25 40 20 60 60 हो गए अपने पास। तो यहाँ से वी ई निकालना हो तो इसमें से वी एफ माइनस कर देंगे, वी एफ इधर ले आए, अब 60 माइनस 27.625, तो ये माइनस करने पर मेरे पास आ रहा है 32.375 किलो न्यूटन वी ई। अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आगे चलते हैं लेकर के। तो सबसे पहले अपने आपको हॉरिजॉन्टल सीयर फाइंड आउट करना है। तो जैसे आर्च में अपन हॉरिजॉन्टल सीयर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, अगर 3 इंच का आर्च होता था, जैसे ये भी आप देखिए, ये अपने पास सस्पेंशन ब्रिज जो है, यहाँ पर हिंज है, यहाँ पर हिंज है और यहाँ पर हिंज है, तो 3 इंच है। अगर बीच में हिंज होता है तो उसका मोमेंट जीरो होता है बीच का। तो मोमेंट मतलब डी के अबाउट, जरूरी नहीं है सी के अबाउट, हमने यहाँ पर डी मान रखा है तो हम डी लिखेंगे, तो डी के अबाउट मोमेंट जीरो है। अब डी के अबाउट मोमेंट जीरो होने के बाद अपन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हॉरिजॉन्टल सीयर। तो इसके लिए सबसे आसान सा कैलकुलेशन क्या करेंगे, 27.625, माफ कीजिएगा, वी एफ 27.625 जो कि वी एफ की वैल्यू है। उसके बाद में ये डिस्टेंस इसकी मिड पॉइंट से 100, 100 कैसे, क्योंकि टोटल ब्रिज अपना 200 mm 200 मीटर का है, तो ये मिड पॉइंट के लिए 100 मीटर हो जाएगा। तो 27.625 इंटू 100, और उसके बाद जो अपर फोर्सेस हैं 15, 15 जो आ रहा है ये कितनी डिस्टेंस पर है मिड पॉइंट से, ये 35 है, 100 टोटल है, 100 में से 35 जाएगा, तो 65, 15 इंटू 65। एंड उसके बाद में एक लोड और आ रहा है इसके अंडर में 25 किलो न्यूटन का लोड, तो ये 25 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, और इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो ये टोटल 80 है, और ये पूरा यहाँ तक 100 है, 100 में से 80 जाएगा तो बचेगा ये 20 इज इक्वल, सॉरी, माइनस हॉरिजॉन्टल सीयर। हॉरिजॉन्टल सीयर अब इसका डिप कितना है, वाई वाई सी 20 एच इंटू 20 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर ये 20 एच कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस का है इधर ले आए, पॉजिटिव हो गया, तो ये 27.625 इंटू 100 माइनस 15 इंटू 65 माइनस 25 इंटू 20 टोटल डिवाइड बाय 20,
तो ये 64.375, 64.375, माफ कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 27.625 नहीं है, ये 32.375 है, क्योंकि अब मैंने तो इधर से स्टार्ट किया है, बीई की वैल्यू से, बीई की तरफ से स्टार्ट किया है, तो बीई की वैल्यू अपने पास है 32.375, ये हमें पुट करनी है। अब इसके अनुसार फिर से वापस कैलकुलेशन करेंगे, ये तो काट देना है आपको ऐसे ही, तो 32.375 × 100 -15 × 65 -25 × 20 / 20, तो ये आ गया आपका 88.125 किलो न्यूटन। लेकिन आप एग्जाम में काटा पीटी मत कीजिए, अगर आपकी कोई गलती होती है, सुधारने लायक है सुधारिए, नहीं तो उसके आगे बढ़ जाइए। अब उसके बाद में आपके पास वाई का फॉर्मूला था, 4YC/L²(x(l-x)। ये आपके पास फॉर्मूला था वाई फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, ये आपको पता ही है, और शियर फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो शियर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है वे शियर माइनस एच टेन थीटा। कहने का मतलब एच तो फाइंड आउट हो चुका है, टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा निकालने के लिए आपको पता है dy/dx इक्वल होता है टेन थीटा। अब y का dy/dx बनाना मतलब x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू पुट करते हैं और y का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद आगे। तो जैसा कि टेन थीटा फाइंड आउट करने के लिए 4yc, yc की वैल्यू अपने पास 20 है, अपॉन l²(x(l-x) 200 - x। तो यहाँ पर तो ये तो y के लिए है, y इक्वल 80/200²(x(200-x)। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जाएगा 0.4x - 0.002x²। ये y का इक्वेशन आ चुका है। अब क्वेश्चन में आपके पास पूछा होगा कि x मतलब x के एक स्पेसिफिक डिस्टेंस दी होगी कि इतने डिस्टेंस पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालिए। तो जैसे मान लेते हैं हम x इक्वल 50 पर पूछा है, क्वेश्चन में आपको 50 के अलावा भी पूछ सकता है, तो मैंने 50 पर मानी, तो इसके लिए हमें y और tan थीटा दोनों फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले y की वैल्यू निकालते हैं, y 50, तो 0.4 × 50 -0.002 × 50² तो अब ये कैसे फाइंड आउट होगा, 0.4 × 50 -0.002 × 2500, ये आ गया 15 मीटर। तो 50 मीटर पर डिफ है आपका 15 मीटर। अब टेन थीटा निकालने के लिए आपको dy/dx की जरूरत होगी, तो dy/dx हम यही फाइंड आउट कर लेते हैं। dy/dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो 0.4 -0.002 × 2x, तो इसको लिख सकते हैं 0.4 -0.004x। अब ये वैल्यूज x इक्वल 50 के साथ यहाँ पर पुट करना है, तो 0.004 × 50। अब इसको इजली कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.4 -0.004 × 50, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2। टेन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो सबसे पहले शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे 50 मीटर पर, तो मैंने आपको पहले बताया था बेस शियर माइनस एच टेन थीटा। बेस शियर को कहीं कहीं आप FX भी लिखा हुआ पाएंगे। तो अब सबसे पहले वैल्यूज रखते हैं, FX क्या है, बेस शियर। बेस शियर मैंने आपको, सॉरी इस पेज में नहीं है, मैंने आपको बताया था कि बेस शियर निकालने के लिए सिर्फ 50 मीटर पर बेस शियर निकालना है, तो ये टोटल 50 मीटर है। अपने पास यहाँ पर 50 मीटर के अंडर में सिर्फ दो लोड आ रहे हैं, एक BE और एक 15। अब BE और 15 दोनों वैल्यूज यहाँ पर रखनी है, तो BE की वैल्यू है अपने पास 32.375 -15, यही दो लोड आ रहे हैं, और एच की वैल्यू है अपने पास, आपको पता है, 88.125 × tan थीटा। टेन थीटा की वैल्यू अपन ने ऊपर निकाली है 0.2। अब इसके बाद में इसका कैलकुलेशन,
32.375 इन सॉरी माइनस 15 -88.125 इंटू 0.2, ये आ गया माइनस का 0.25 किलो न्यूटन। तो ये आपका 50 मीटर पर शियर फोर्स आ चुका है। अब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट के लिए म्यू एक्स माइनस एच इंटू वाई। म्यू एक्स क्या है? टोटल मोमेंट जिस इसके अंदर जितना आ रहा है। इस 50 मीटर की डिस्टेंस से अपने पास ये दो फोर्स आ रहे हैं, इन दोनों फोर्स को डिस्टेंस के साथ ले लेंगे। तो वी ई अपना वी ई ये कितने डिस्टेंस पर लग रहा है? ये 50 मीटर के डिस्टेंस पर लग रहा है। और 15 किलो न्यूटन ये कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है? तो 15 किलो न्यूटन मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये टोटल 35 है और 50 से 35 निकालेंगे तो 15 बचेगा। कहने का मतलब 15 किलो न्यूटन का लोड 15 मीटर पर लग रहा है। और हॉरिजॉन्टल शियर की वैल्यू है 88.125 और यहाँ पर डिप कितनी है? वो डिप आपके पास ये रहा 15 मीटर। तो ये डिप, इसका कैलकुलेशन हमें बेंडिंग मोमेंट 50 मीटर पर देगा। अब 50 मीटर पर बेंडिंग मोमेंट वी ई की वैल्यू आपके पास है 32.375 इंटू 50 -225 -88.125 इंटू 15। तो ये आपकी वैल्यू आ चुकी है 71.875 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप इसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बता देता हूँ कि इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो आपके इसके लिए सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा Y35, Y80 और Y150। जहाँ जहाँ पर लोड लग रहे हैं वहाँ पर डिप कितना आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा देना चाहता हूँ कि Y35 इस फॉर्मूले पे 35 निकालेंगे तो Y की वैल्यू आएगी 11.55। ये मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है। तो ये वैल्यूज लिख लेते हैं, आप जाके इस फॉर्मूले से आप सॉरी इक्वेशन से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो ये क्रमशः ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसके बाद में आपको दूसरा क्या करना है, एक्स इक्वल 35 और एक्स इक्वल 80 और एक्स इक्वल 150, एक्स इक्वल 35 मीटर पर मोमेंट निकालना है, एक्स इक्वल 80 मीटर पर मोमेंट निकालना है और एक्स इक्वल 150 मीटर पर वापस आपको मोमेंट निकालना है। इन तीनों पॉइंट्स पर आपको मोमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? वी ई यानी 32.375, ये 35 मीटर पर डिस्टेंस पर लगेंगे और इसी डिस्टेंस पर एक 15 किलो न्यूटन का लोड है लेकिन उसकी डिस्टेंस जीरो हो जाएगी इसलिए उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब इसका कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगा 1133.125 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और दूसरा आपके पास कैलकुलेशन होगा जो वो 32.375 आप डायग्राम देख के करिएगा और ये आपके पास 80 मीटर पर है तो ये इंटू 80 माइनस अब 15 किलोन्यूटन का लोड 80 मीटर से कितनी डिस्टेंस बनाएगा? 45। अब ये कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी 1915 किलोन्यूटन इंटू मीटर। और तीसरा आपके साथ जो 150 मीटर पर है वो इस इधर से आपन कंसीडर कर लेते हैं, इस साइड से आपन कंसीडर कर लेते हैं 150 मीटर पर। तो इस साइड से बी एफ आ जाएगा तो अब वी एफ के साथ कितना हो जाएगा? वी एफ की वैल्यू 27.625 इंटू 50 क्योंकि उधर से 150 है तो इधर से 50 बचेगा। अब इसका आ गया अपने पास 1381.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और अपने पास अब इनके लिए तो आ चुका है बेंडिंग मोमेंट। अब एक दूसरा बेंडिंग मोमेंट निकालना है जो हॉरिजॉन्टल शियर के थ्रू आ रहा है वो इसके थ्रू निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल शियर कैसे निकालेंगे सॉरी बेंडिंग मोमेंट, तो वो उसको भी एम ही बोलेंगे, वो होगा एच इंटू वाई। तो एच अपने पास है 88.125 इंटू 11.55 और ऐसे ही 88.125 इंटू 19.2 और ऐसे ही इसके लिए भी 88.125 इंटू 15। अब इन तीनों का रिजल्ट फाइंड आउट करना है मोमेंट।
और उसके बाद में इनका रिजल्ट आएगा पहले का 1017.843 ड्यू टू योर कैलकुलेटर एंड 1692.0 किलो न्यूटन इंटू मीटर एंड 1321.875 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब इसका डायग्राम कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सेम एज इट इज आप आर्ट्स में भी डायग्राम बना सकते हैं, मैंने उसमें नहीं बताया है लेकिन आप चाहें तो आप बना सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ऐसे ही बनाना है। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस डिफाइन करनी होगी 200 मीटर की। तो हमने 200 मीटर की एक डिस्टेंस डिफाइन कर दी कि इस स्पान की लंबाई 200 मीटर है। अब यहाँ पर दिखा दिए कि ये 35 मीटर है, ये 80 मीटर है, ये 100 मीटर है। 100 तो इसका आधा होगा स्पान का, 35, 80, 100 और 150। अब इनके लिए अपने को तो जिस जिस पॉइंट पर अपने लोड लगे हैं उस पॉइंट पर हम ऐसे एक ये कैलकुलेट कर देते हैं स्केल रख करके, और इसकी सीध में ऐसे ही लाइन बना देनी है, वर्टिकल लाइंस। अब इन पर कैसे एक्ट कराएंगे हम, सबसे पहले अपने पास ध्यान देना होगा कि 80 मीटर के लिए आपके पास, सॉरी 150 मीटर के लिए आपके पास 1381 और 1321। तो 1381 यहाँ पर आएगा कुछ सपोज कर लीजिए और 1321 यहाँ पर आएगा। अब इसके बाद दूसरा आप देखते हैं 1692 और 1915। तो 1381 के बाद 1915 मतलब ये कुछ ऊपर जाएगा और ये 1692, 1321 के बाद 1692 मतलब ये भी कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा ये हम एग्जैक्ट तो कह नहीं सकते, हमें डायग्राम बनाना है। अब उसके बाद 1915 ये मैं लिखते चलता हूँ नहीं तो फिर उसके बाद कन्फ्यूजन बढ़ेगी। 1381.25 और ये 1321 है, 1321.875 और ये 1381.25, ये रहा 1915 और ये रहा 1692, 1692.0। अब इसके बाद 1692 के बाद यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 1017। कहने का मतलब ये घट रहा है वापस, तो घट रहा है तो ये इससे और सी बात है ये कुछ ना कुछ नीचे आएगा। ये आ गया 1017.843 और ये 1915 से 1133 ये भी घट रहा है, 1133.125। अब ये धीरे धीरे करके यहाँ पर आकर के 0 हो जाएगा एट लास्ट। तो आपके पास अपना इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो क्वेश्चन में पूछते हैं वो आपका डायग्राम ये होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लेट नहीं हुआ है, अगर आप एक दो बार क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। टॉस के मैंने लगभग 3 यूनिट करवा दी है, अब इसके बाद DCS का मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो DCS का क्वेश्चन मैं आपको कल शाम तक, मैं लगभग कोशिश करूंगा कि 2 से 3 यूनिट कल शाम तक आपके पास पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो अच्छे से समझें। धन्यवाद।